अंदर बैठा तेरा साई, बाहर खोजे सो परछाई, आत्मध्य परमात्मा पाई, आपे से अपने को पाना रे, क्यों सोवे तू जाग दीवाने, एक दिन मिट्टी में मिल जाना रे। संभल की घटना को लेकर देश की सियासी माहौल गरमाई हुई है। विपक्ष की तमाम पार्टियां, यूपी की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बात अब बिहार तक भी पहुंच गई है। बिहार में आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय यादव ने संभल की घटना पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार को भी घेरा है। संजय यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। संजय यादव राज्यसभा में आरजेडी के कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुनी। एक तरफ संभल के विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, दूसरी तरफ दरगाह शरीफ में जिस तरह से उसको लेकर जो विवाद सामने आया है, पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा के लोग देश और प्रदेश में इनको प्रेम, शांति, सौहार्द, अमन, चैन से कोई मतलब नहीं है। ये ना इनको पसंद है, इनको सिर्फ कलेश पसंद है। बाकी देश जमीन के नीचे खनिज ढूंढ रहे हैं और ये खंडहर ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा भाजपा के लोगों को कि आप प्रेम को धर्म और दिल को मंदिर मान लीजिए। ये मान के आप खुदाई कीजिए, आप अपने आप को पाइएगा उसमें। ये धर्म के नाम पे विवाद को बंद करिए। अंदर बैठा तेरा साई, बाहर खोजे सो परछाई, आत्मध्य परमात्मा पाई, आपे से अपने को पाना रे, क्यों सोवे तू जाग दीवाने, एक दिन मिट्टी में मिल जाना रे। क्यों झगड़े लगा रहे हैं भाई आप? सबको मिट्टी में मिलना है धर्म के नाम पे। आप नौकरी, रोजगार, विकास, इन मुद्दों पे चर्चा कीजिए। पार्लियामेंट इनके लिए बना है। 1991 में पार्लियामेंट से ही वो पास है कि भाई जो हो गए। आजकल कौन नए नए आ जाते हैं, छोटे लेवल के लोग कोई आदेश पास कर देते हैं, समाज में झगड़ा लगाते हैं। ये इतना विघटन पैदा हो जाएगा, वो जो छोटे लोग हैं वो वहीं रह जाएंगे, समाज क्या बिखर जाएगा, उनको भी अंदेशा नहीं है। वो सरकार की नजरों में आने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो संजय यादव को आप सुन रहे थे, राज्यसभा में सांसद हैं आरजेडी के, और संजय यादव का यह बड़ा बयान केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार सहित यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी पर संजय यादव ने जोरदार हमला बोला है। आपको बताएं कि संभल की घटना को लेकर इस वक्त देश भर में जो है वो माहौल तनावपूर्ण है। एक ओर बीजेपी तो दूसरी ओर तमाम विपक्ष की पार्टियां जो सरकार पर हमलावर है, और ऐसे में संजय यादव ने भी जोरदार प्रहार किया है। फिलहाल अप टू डेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।